हाय ऑल नमस्कार मु शोभना मिश्रा ए वीक रे आउ गोटे वीडियो सहित आपको मो चैनल रे स्वागत करुच्ची। सो और एक हफ्ता और एक वीडियो तैयार है आप सभी के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन भुवनेश्वर उड़ीसा। बहुत बारिश हो रही है, बहुत ह्यूमिडिटी है, उसके साथ गर्मी बहुत है और पड़ोस वाले घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है तो वहाँ से आपको ठक ठक की आवाज़ आएगी। सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। नाउ टुडे आई हैव चोजन द टॉपिक टू टॉक अबाउट इज, अगर मान लीजिए आपके घर में आपका किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, पापा के साथ हो, मम्मी के साथ हो, भाई के साथ हो, बहन के साथ हो, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, जिसके बिना आप रह नहीं पाते यूजुअली, पर उसके साथ भी झगड़ा हुआ है, या फिर अपने स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है और आपने सब कुछ करके देख लिया पर फिलहाल बात नहीं हो रही है और वो टेंशन आपके दिमाग में है, तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करेंगे और उस वक्त खुद को आप पीस ऑफ माइंड कैसे देंगे। अगेन फॉरगिव मी फॉर दैट ठक ठक साउंड। या सो उसके बारे में बात करेंगे। एंड इफ़ यू आर वॉन्डरिंग वॉट लिपस्टिक इज़ द पार्ट, आपने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा टाइटल में भी कि ये वाला लिपस्टिक आज मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगी। अगर लिपस्टिक के बारे में जानना है तो 2-3 मिनट बाद आप फॉरवर्ड करके देख लीजिए, पर अभी का जो टॉपिक है कि कैसे झगड़ा हुआ है और आपको ना एक दो दिन मान लीजिए चाहिए ही चाहिए सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए, पर फिलहाल नहीं हो रहा है तो आपको तो एक दो दिन काटने ही है, खाना पीना तो बंद नहीं करेंगे ऑब्वियसली, दैट्स रूल। सो क्या करेंगे आप कि आपका दिल भी ना दुखे और आपका वक्त भी गुजर जाए और थोड़े वक्त के बाद जब आप फ्रेश हो जाए तो अगर गलती आपकी तरफ से हुई है या फिर नहीं भी हुई है और आप अपने तरफ से पैचअप करना चाहते हैं या चाहती हैं, ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, सबके लिए, बड़ों के लिए है, छोटों के लिए है, तो क्या करेंगे आप। जो मैंने करके देखा मेरा हुआ था क्या, मेरे बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया था, घर में भी थोड़ी सी रूठ गई थी मैं पापा मम्मी के साथ, इधर उधर का छोटे छोटे टॉपिक में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उस तरह से, या फिर मेरे भाई के साथ भी झगड़ा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ये 2-3 बार किया है और मेरे को रिजल्ट मिला है कि अक्सर जब मैं बाहर खाना खाने जाती हूँ तो बाहर रेस्टोरेंट के बाहर या फिर कोई फूड स्टॉल के पास बैठे होते हैं कुछ ऐसे लोग जिनके पास दिन के 2 वक्त का खाना नहीं होता है, तो आप क्या करें कि आप उनको ना कुछ खाना ऑफर करें, मतलब जहाँ से आप खा रहे हैं अगर बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है ठीक है, वहाँ पे थोड़ा कुछ तो होगा जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर फूड स्टॉल में आप खा रहे हैं वो तो अब तो और इजी है क्योंकि फूड स्टॉल में प्राइसेस यूजुअली शॉर्ट होते हैं, तो आप ना उनको खाने को ऑफर कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए हमेशा आप 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये देते हैं, उस दिन जिस दिन आपका झगड़ा हुआ है ना उस दिन आप थोड़ा 20-40 रुपये 50 रुपये वो देखिए उनकी आंखों में ना एक स्माइल आती है, मतलब आंखों से पता चलता है कि वो कितने खुश हो गए और आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स देते हैं, वो ब्लेसिंग्स ना पक्का काम करते हैं, आई एम टेलिंग यू। या फिर अगर आप किसी ऐसे बच्चे के, कोई ऐसा बच्चा आपके घर के पास रह रहा है जिसको कोई कपड़े की ज़रूरत है या जूते की ज़रूरत है या फिर आपको चॉकलेट मांगता रहता है, मेरे घर के पास भी कुछ बच्चे हैं जो हमेशा बोलते हैं दीदी हाय चॉकलेट लाओगी आज मो पेन चॉकलेट आनी बो ऐसे, हाँ तो कभी कभी मैं लाती हूँ कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, पर जिस दिन आपको बहुत सारा प्रेशर होता है ना आप सेल्फिश होकर ये नहीं कर रहे हो, आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हो, वैसे आपको तो हेल्प करना ही है तो आज क्यों नहीं, तो आप ना उनको बच्चों को थोड़ा कपड़े दे दो, थोड़े जूते दे दो या फिर थोड़ा चॉकलेट ला के दे दो, अगर बाहर के बाहर वाले स्ट्रे डॉगीज हैं बाहर कुत्ते हैं तो उनको अगर आप थोड़े से बिस्किट दे दो या फिर अपने खाने में से कुछ निकाल के दे दो, जिसको ज़रूरत है आप उसी की मदद करो उस वक्त, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं है कि आप वर्स्ट सिचुएशन में हो, आपसे बुरे सिचुएशन में और बहुत सारे लोग हैं, और ये थॉट आपके दिमाग में लाना बहुत ज़रूरी है कि यू आर नॉट द वर्स्ट सिचुएशन फेसिंग पर्सन इन द वर्ल्ड, तो आपसे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन हर एक दिन हर टेंशन से होके गुजरते हैं, तो अगर हम उनको थोड़ा हेल्प कर पाएँ और उसके बाद जो मुस्कुराहट आती है उसको आप ना सिंक करके देखिए, वो सिंक नहीं होता है यूजुअली, आपको लगेगा भाई मेरी वजह से एक इंसान आज हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, मैंने उसकी मदद की, दैट्स अ ग्रेट फीलिंग, सो ये करके देखिए। नाउ वी विल गो टू द लिपस्टिक पार्ट।
And the lipstick we are going to talk about is this one. मैंने एक इस तरह के लिपस्टिक का रिव्यू किया हुआ था, तो आप वो वाला मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. दिस इज़ द फेसेस कैनेडा ऑल टाइम प्रो HD इंटेंस मैट लिप्स प्लस प्राइमर लिपस्टिक इन द शेड एस्प्रेसो नंबर 03. दिस इज़ द लिपस्टिक आई हैव ऑन माय लिप्स राइट नाउ. आई एम वेयरिंग अ बेसिक टॉप ब्लू विद अ लिटिल फ्लोरल डिटेल. I just have a little ear stone earring and have a dark eyeliner going on, and then I have this coffee brown lipstick. So for me, I'm NC38 to NC40. This is like a dark brown shade, nude shade. And जो लोग dusky हैं, जो जहाँ रो complexion आउट के brown आड़ू को अच्छी, सेमान को पाएं इटा कोटे बढ़िया brown color है. वो dusky complexion के लिए एक बहुत अच्छा brown color है, जो आप रेगुलर यूज़ के लिए लगा सकते हैं, या फिर अगर आप पार्टी के मूड में हैं, डार्क आई शेडो का मेकअप लिया है आपने, हल्का सा ब्रॉन्जी लुक लिया है, और ये लिपस्टिक बहुत सूट करेगा. मैं इसका स्वॉच दिखाती हूँ आपको. एस्प्रेसो इस तरह से ओपन होता है, ट्विस्ट होता है. अगर ट्विस्ट वाले लिपस्टिक साथ लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट ना वेस्ट नहीं होता है. जब आप शार्पन करते हैं क्रेयॉन वाले लिपस्टिक पे, आपका प्रोडक्ट थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है. तो दिस विल बी the one swipe, see that, yeah, and double swipe, yeah, dark. So this is really pre-pigmented and you get 1.4 grams and the price is 749. मान लीजिए आपको इस लिपस्टिक को थोड़ा पार्टी वाला लुक देने का मन किया, आप ये लिपस्टिक पहन के गई हैं, तो थोड़ा सा लिप बाम के साथ आप इसको टॉप ऑफ कर लें, बस यू आर पार्टी रेडी इफ यू कैन पुल दिस ऑफ. अगर मेरे से फेयर लड़कियां अभी देख रही हैं, आपके लिप्स में ये बहुत डार्क लगेगा. इफ यू कैन पुल दिस ऑफ, गुड ऑन यू. एंड नाउ फॉर मीडियम गर्ल्स, फॉर डस्की गर्ल्स, ये बहुत ही अच्छा लिप शेड है. तो आउ थे मुझे कहवाक चाहिए आपको, जदि आपको एमती किसी प्रॉब्लम फेस हो, स्ट्रेस अच्छा आप स्ट्रेस रु रक्षा कर पार ना निजक, क्या साय करूँ जी आपण भी खराब सिचुएसन अच्छी, उसकी मदद किए करिए जिसको आपकी मदद की सख्त जरूरत है, जो आपसे भी गलत सिचुएशन में ज़्यादा गंदे सिचुएशन से होकर गो थ्रू कर रहा है. और ये टिप आसमा के देखिए और मुझे बताइएगा कि ये टिप आपको कैसे हेल्प किया, और ये लिपस्टिक लगा कभी देखिए और बताइएगा ये लिपस्टिक कैसा है. एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो चेक इट आउट. और जो भी साइड में नॉइजेस हैं मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, मैं घर पे बैठ के शूटिंग कर रही हूँ तो बात बात चलती रहती है और काम भी चल रहा है. सो टेक केयर एवरीबडी, हैव अ लॉट ऑफ वाटर इन दिस समर ऑन दिस और दिस इन दिस ह्यूमिड वेदर. आई विल सी यू वंस अगेन. नमस्कार, बाय.